अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं टोटली इम्पोर्टेड होब के ऊपर, स्टील के अंदर और ग्लास के अंदर। ये जितनी भी होब हैं ये आपको होलसेल रेट पर मिल जाएंगी अगर दुकानदार हैं, और वैसे अगर बाय करना तो तब भी मिल जाएंगी। तो दुकानदार हजरात भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी ने सिंगल पीस लेना तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। हमारे पास इसके अंदर मुख्तलिफ कंपनीज आ जाती हैं, जिस तरह नेचुरल की है, उसके बाद हाउस मास्टर की है, ओनेक्स की है, तो इस तरह से टोटली जितनी भी हैं सारी इम्पोर्टेड के अंदर आती हैं और हैवी मेड के अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर पहले हमारे पास ये इस तरह से एक नेचुरल की आ जाती है जो कि टोटली ब्रास बर्नर के अंदर है। उसके बाद एक हमारे पास ये आ जाती है जो सरिया जाली के अंदर है, जो आम जाली होती है। उसके बाद हमारे पास ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पीस नेचुरल का ये आ जाती है, ये टोटली देगी बर्नर और देगी जाली के अंदर है। मेटेलिक बटन होते हैं, सारी स्टेनलेस स्टील के अंदर है। उसके बाद हमारे पास एक ये हाउस मास्टर की आ जाती है, ये भी टोटली ब्रास बर्नर के अंदर होती है। ऊपर कोट हुआ हुआ है ब्लैक कलर का, स्टेनलेस स्टील हैवी होब है। उसके बाद एक ये है नेचुरल की होब, ये भी बहुत हैवी और आपको देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि देगी बर्नर टोटल लगा हुआ और देगी ही जाली है। ये ब्रास के अंदर इसका बर्नर आता है, ये ब्रास एक कलर नहीं हुआ हुआ, ये टोटली ब्रास है जिसको पीतल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और हाउस मास्टर का पीस आ जाता है, ये चीज़। इसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं तो पार्को कंपनी की 5 के अंदर आ जाती है, ये सबाफ बर्नर होता है, ये इटालियन बर्नर होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ गिर जाए, पानी वगैरह बॉयल हो या दूध वगैरह, तो इसके अंदर कुछ नहीं जाता। उसके बाद हमारे पास कुछ शीशे के अंदर आ जाती हैं, जिस तरह के ये हाउस मास्टर कंपनी की है, ये टोटली ग्लास के अंदर है। 12 mm का टेम्पर्ड शीशा होता है, इसको हीट के साथ कुछ नहीं होता। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास एक और नेचुरल कंपनी की, जिस तरह हमने पहले देखी थी स्टील के अंदर, ये सेम वही चीज़ है, बस ये ग्लास के अंदर ब्रास बर्नर के साथ आती है, ये भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक ये चीज़ आ जाती है हाउस मास्टर के अंदर, ये टोटली राउंड शेप के अंदर इसका देगी बर्नर देगी जाली के अंदर आ जाता है, और ये चाइना बर्नर होता है। ये दोनों लैदा चलते हैं, ट्विस्टेड फ्लेम बर्नर इसका फ्लेम होता है, गैस एफिशिएंट होता है। उसके बाद हमारे पास एक और 5 बर्नर के अंदर होब आ जाती है, जो कि टोटली ब्रास के अंदर इसके बर्नर हैं और देगी जाली है इसकी, हैवी जाली है, 5 के अंदर आती है, स्टेनलेस स्टील है। उसके बाद हमारे पास एक कोनेक्स का मॉडल आ जाता है, इंतहाई प्यारा मॉडल, और इसके बर्नर भी बहुत प्यारे, ये भी शीशे के अंदर आ जाती है, 12 mm का भारी शीशा आ जाता है इसके अंदर, शीशे का कोई मसला नहीं बनता हीट के साथ। उसके बाद हमारे पास एक और ओनेक्स कंपनी का आ जाता है, जो बर्नर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये इस तरह 3D शीशे के अंदर आता है, आम प्लेन ब्लैक शीशा नहीं है। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी और हैवी के अंदर जाएं तो ये एक और सबाफ बर्नर के अंदर नेचुरल की होब आ जाती है। टोटली ये सारी ग्लास के अंदर बनी हुई है, हैवी 12 mm का भारी शीशा लगा हुआ, और ये फुल साइज़ के अंदर है। बाकी जितनी भी आम होब आती हैं वो स्मॉल साइज़ में होती हैं, ये 34 इंच के अंदर फुल साइज़ होब के अंदर आ जाती है ये। उसके बाद हमारे पास एक और मॉडल है नेचुरल का ही, ये भी ब्रास बर्नर के अंदर आ जाता है, पैक हुआ हुआ है। और इसके बाद इसी तरह जितनी भी ये हम होब आपको दिखा रहे हैं टोटली इम्पोर्टेड क्वालिटी के अंदर आ जाती हैं। इससे मज़ीद भी इसके अलावा और भी हैं, जो अभी हमने ओपन करके डिस्प्ले में नहीं लगाई। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं डिसेंट कॉरपोरेशन पर, जो कि है गुमटी चौक रेलवे रोड फैसलाबाद। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। अगर किसी भाई ने होल सेल पर सामान लेना है तो उसको होल सेल पर भी सामान मिल जाएगा, अगर किसी ने सिंगल पीस या घर के लिए यूज़ के लिए लेना है तो उसको वो भी मिल जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।